शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भाई ये जो ओट है हमारे होठ, ये किस किस काम आते हैं। इसके बारे में यदि हम किसी से पूछें कि भाई ये हमारे होठ हैं, होठों के बारे में बताओ ये क्या होता है इससे, तो आप ये बोलेंगे भाई ये खाने में उपयोग होता है, बोलने में उपयोग होता है, चूमने के लिए उपयोग होता है। पर इसके अलावा ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो होठों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। जैसे ये हमारे शरीर के सबसे संवेदनशील अंगों में से एक है। ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपके होठों पर पसीना नहीं आता है, क्योंकि इनमें संवेद ग्रंथि नहीं होती है। कभी भी दो लोगों के होठों की छाप एक समान नहीं हो सकती है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, उसी तरह हमारे होठों के भी प्रिंट्स होते हैं, तो दो लोगों के होठ के प्रिंट एक जैसे कभी नहीं होंगे। होठ ही शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो भीतर से बाहर की तरफ आता है। होठों में 1 मिलियन से अधिक तंत्रिका होती हैं, लेकिन होठ के पास सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार की रक्षात्मक झिल्ली नहीं है। आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता दूं कि किसिंग करना सबसे पहले भारत में शुरू हुई थी, जबकि ये यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में पूरी तरह से प्रतिबंधित था। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि आप होठों को मिलाए बिना बी और पी, ये दो अल्फाबेट का जो उच्चारण है वो आप नहीं कर पाओगे। हमारे जो होठ हैं वो सूख जाते हैं जल्दी, क्योंकि इनके आसपास पसीने की ग्रंथियां नहीं होती है, और जो निशान है हमारी उंगलियों की तरह ही होते हैं। होठों को छोड़कर हमारे शरीर की पूरी चमड़ी 16 अलग अलग तरह के परतों की बनी होती है। ओठों पर तो सिर्फ 3-4 परतें ही होती हैं, जिसकी वजह से उनकी नीचे की खून की नसें ज़्यादा दिखती हैं और हमारे होठ लाल गुलाबी नजर आते हैं। किसी को किस करने से हर मिनट हमारे शरीर के 6.4 कैलोरीज जो हैं वो कम हो जाते हैं। आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि दुनिया भर में कुछ संस्कृतियों में महिलाओं को अपने होठों को ढकना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि होठों को यौन अंग माना जाता है। और एक बात और ध्यान रखिए, आपके होठ बड़े होने के साथ पतले हो जाते हैं उम्र के साथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर का जो कोलेजन है, जो उत्पादन है, वो कम हो जाता है। कोलेजन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है और इसका एक कार्य होठों को आकार देना है। होठ जो हैं वो अर्बिक्युलस ओरिस के रूप में जानी जाने वाली मांसपेशियों के एक जटिल समूह से बना होता है, और यह मांसपेशी जटिल भी मुंह को घेरे रहती है। महिलाओं का अक्सर मध्यम आकार के होठ वाले पुरुष पसंद करने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ होठ भी पतले हो जाते हैं, क्योंकि शरीर में कोलेजन बनना कम हो जाता है। औरतों के होठों से यह मालूम पड़ता है कि उसे कामोन्माद शीघ्र मिलेगी या फिर देर से, ये उस पर डिपेंड करता है। यदि आप अपने होठ गुलाबी चाहते हैं तो आप अनार, चुकंदर, टमाटर के रस, ये जो घरेलू उपाय हैं उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खाइए, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आपके होठ आपके शरीर में पानी की कमी के बारे में बताते हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में शरीर में पानी नहीं हो तो आपके होठ जो हैं वो सूख जाते हैं। ऊपरी ओठ जो है, ऊपरी ओठ, उसके इर्द गिर्द एक परत होती है जिसे आर्बिक्युलरिस ओरिस कहते हैं। इस परत की वजह से ही हम होठों से सीटी मार सकते हैं
और एक जानवर है जिनके होंठ नहीं होते हैं और वो है मगरमच्छ। आपके नाक के बिल्कुल नीचे होठों पर जो दो लकीरों की नाली सी बनी हुई होती है उसे इंग्लिश में फिल्ट्रम कहते हैं। यदि महिलाओं के होठ लाल, पतले, चिकने, अच्छी आकृति वाले होते हैं तो ऐसी महिलाएं स्वभाव से सेक्सी तथा पति का प्यार पाने वाली होती है। ये एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम बताए, होठों से तो बहुत चीज़ें मालूम पड़ जाती है। तो और ये भी शायद आपको नहीं पता होगा कि होठ लाल गुलाबी दिखाई देते हैं क्योंकि हम वास्तव में उन रक्त कोशिकाओं को देख सकते हैं जो बलगम झिल्ली के नीचे रहता है, और जो बलगम झिल्ली है बहुत पारदर्शी होता है। इस पारदर्शिता का क्या कारण है? होठों पर त्वचा की त्वचा के अन्य भागों में पाए जाने वाले 16 परतों की तुलना में होठ की कोशिकाओं केवल 3 से 6 परत होती है, इसी वजह से होता है। होठ जो हैं हमारे क्या सबके, अधिकतर लड़का लड़के किस करने से ब्लड प्रेशर जो है तेज होता है। होठों के आकार पुरुषों और महिलाओं दोनों में सेक्सुअल अट्रैक्शन से जुड़ा होता है। एक अध्ययन के अनुसार महिलाएं ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं जिनके होठ मर्दों के आकार के होते हैं। अगर किसी के चेहरे पर तिल हो तो काफ़ी खूबसूरत दिखता है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिनके होठों पर तिल होता है वो लोग और भी आकर्षक लगते हैं। ये हकीकत है। होठ हमारे जो हैं जैसे अन्य शरीर को लकवा मारता है तो होठ को भी लकवा मार सकता है। यदि महिलाओं के जो होठ हैं उन्हें आप कवर ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा पिंक होंगे क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह नहीं पड़ेगी। कामोत्तेजक में होठ सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन बी की कमी के कारण भी होठ सूखने की समस्या होती है। इसके अलावा होठ फटने का सबसे बड़ा कारण आयरन, जो आयरन होता है लोहा, आयरन और फोलेट की कमी से होता है। होठ आपके शरीर के कम पानी के कमी के बारे में तो बताता ही है। अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पानी तो आपके होठ सूख ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल से होठ की जितनी जानकारी मुझे प्राप्त थी उतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।